हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इसके पहले एसपी का पेपर था, वो भी अपलोड कर दिया है वो। तो आई होप सो एसपी का पेपर अच्छा गया रहेगा। अभी हम लोग उसी का पेपर सॉल्व करें, ठीक है? और अच्छे से सॉल्व करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? अब ध्यान दो, इधर क्या दिया है, इधर सिलेक्ट द ऑप्शन बोले। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का पप्पा कौन होता है मालूम है? एफ डब्ल्यू टेलर। और हेनरी फिल्क किसका पप्पा है? मॉडर्न मैनेजमेंट का। और साइंटिफिक है तो एफ डब्ल्यू टेलर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है मीन्स टू अंडरटेक, ओके? और प्रिंसिपल ऑफ इज डैश नॉट अप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये इंडेमनिटी नहीं होता है, क्योंकि इंडेमनिटी फायर और इसके लिए होता है, मरीन के लिए होता है। बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशो इकोनॉमिक। और मार्केट एस मतलब कौन सा वर्ड है? मार्केट कहाँ से उठा है? फ्रेंच वर्ड से उठा है। कहाँ से उठा है? फ्रेंच। इधर 5 मार्क जमा हो गया। फिर 5 मार्क का तुमको जैसे कि ऑड मैन आउट भी आया है, तो प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, राइटिंग हो गया तुम्हारा ऑड मैन आउट, नाबार्ड है, सिद्ध भी है, एक्जिम है, ये सब आरबीआई ने बनाया है। तो आरबीआई तो इनका पप्पा है, तो आरबीआई ऑड मैन आउट हो गया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड थोड़ी आता है भाई, है ना? वो सब है ना, डिजिटल मनी है। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय को जॉब मिलना चाहिए, हेल्थ सेफ्टी मिलना चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए। एम्प्लॉयज को प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है, इन्वेस्टर को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट जज होता है, हाई कोर्ट जज होता है, सुप्रीम कोर्ट जज होता है, कमिश्नर नहीं होता भाई, ओके? तो 5 मार्क इधर जमा हो गया, समझ जाएगा तो अच्छे से आ जाएगा। फिर इधर क्या बोला है? ट्रू ऑफ ऑल, ओनली, जब भी ओनली आता है ना या नॉट आता है, समझ आने का फॉल्स है। थोड़ा प्रिंसिपल थोड़ी इस्तेमाल हो, सब होता है ना यार, ये फॉल्स है। एनएफटी बोले तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इधर इलेक्ट्रिक बोला है, ये भी फॉल्स फॉल्स है। बिजनेसमैन आर दी ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, यस ट्रू। सेलर हैज़ टू रिकग्नाइज, सेलर को ध्यान देना चाहिए कंज्यूमर का राइट्स, यस। मार्केट में भी डिफाइन एज एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस, यस, ये भी ट्रू है। 5 मार्क इधर जमा हो जाएगा बच्चे लोग। फिर क्या बोला है अपने को? रीराइट करना है, मतलब ये अंडरलाइन वर्ड को चेंज करना है। तो कंट्रोलिंग मेजर रिजिड, रिजिड का उल्टा होता है फ्लेक्सिबल, याद रखना। रिजिड का उल्टा क्या होता है? रिजिड मतलब फिक्स, फ्लेक्सिबल बोले तो चेंजेबल। ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है? सेविंग को नहीं मिलता है, करंट अकाउंट होल्डर। किसको मिलता है? करंट अकाउंट होल्डर। डिजिटल कैश इज द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी आता है, करेंसी लिखा है ना, तो आप लोग लिख सकते हैं डिजिटल मनी। क्या लिखेंगे? डिजिटल मनी, ओके। इन मॉडर्न कंपेटिटिव मार्केट, आज का मार्केट, कंज्यूमर इज रिगार्ड एज ओनर, ओनर नहीं होता भाई, किंग होता है। क्या होता है? किंग, बादशाह। ग्रेडिंग के कारण ब्रेकरेज, ब्रेकरेज डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, ये सब ग्रेडिंग के कारण नहीं होता है, ये पैकेजिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है? पैकेजिंग, ओके। फिर तुमको कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों लोग, तो मस्त में तुम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट स्टाफिंग का मीनिंग डाल देंगे, इंपॉर्टेंस का पॉइंट डाल देंगे, 4-6 लाइन लिखने का। प्रिंसिपल मैनेजमेंट के 14 पॉइंट्स थोड़ा समझा दो। हेनरी फ्यूल है, वेयर हाउसिंग गोडाउन होता है, गोडाउन में गुड्स स्टोर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डायग्राम तुमको बताया, वो वाला आंसर। तो ये एकदम ईजी टॉपिक था, राइट? फिर तुमको क्या है, केस स्टडी आएगा। क्या आएगा? केस स्टडी। थोड़ा फास्ट गया ताकि तुमको हो जाए, तो एक केस स्टडी सॉल्व कर सकता हूँ। एक एक्सपायर्ड कंपनी है, ले क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपना एम्प्लॉयज़ को, क्या काम करना है, गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। और वहाँ में सैयद क्या कर रहा है? हार्मोनाइज कर रहा है, मतलब एक्टिविटी को ज्वाइंट कर रहा है, काम कर रहा है। और देश क्या कर रहा है? अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ओके। तो कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है बताने का? तो ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन। तो इंस्ट्रक्शन देने को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। तो मिस्टर लेले क्या कर रहा है? मिस्टर लेले डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। मिस्टर लेले क्या दे रहा है? डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? मिस्टर सैयद कर रहे हैं, है ना, एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से मिला रहा है। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है? देसाई कर रहा है ना, सब चीज़ को अरेंज कर रहा है। तो केस स्टडी कैसे ना, आंसर इसमें ही रहता है, अच्छे से रीड करके एक लाइन में डाल देने का रहता है, ठीक है। इसके पेपर भी मैंने पूरा अपलोड कर दिया, ये सब आंसर मैंने समझा दिया। अभी एग्जाम में क्या आएगा तुमको मालूम है? ये सेकेंड चैप्टर से डिस्टिंग्विश पढ़ना है, थर्ड से सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक पढ़ो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट पढ़ो, रोड, रेलवे भी पढ़ लो, ठीक है। और ये कंफर्म आता ही है, डिस्टिंग्विश 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और एक डिस्टिंग्विश है, ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर ये डिस्टिंग्विश में नहीं आना तो जस्टिफाई में आएगा। एंटरप्रेन्योर का एक ही आंसर पढ़ना है थर्ड चैप्टर से, है ना। और फिर कंज्यूमर प्रोडक्शन क्यों करना चाहिए वो भी पढ़ लो, ईजी है। फिर राइट पर्सन, राइट जॉब, स्टाफिंग के बारे में डाल दो ना यार, स्टाफिंग का आंसर उठा के देखो ना, ई बिजनेस ईजी है स्टार्टअप करना, तो ये डिस्टिंग्विश उठा के डाल दो। कंज्यूमर का राइट्स डाल दो एक बनना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर पढ़ाया था, हेनरी फ्यूल के 5 प्रिंसिपल डाल दो। और बड़ा आंसर इंश्योरेंस आएगा, या फंक्शनल मार्केटिंग आएगा, या फंक्शनल कमर्शियल बैंक आएगा। इस तरह तुमको पेपर आएगा, बस तुमको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो सब आंसर एक्सप्लेन करा दिया बच्चे लोग, सिर्फ ध्यान दो।